तो और मेरे भलो कैसे हो यार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ भाई पबजी लाइट के सेंसिटिविटी के बारे में। भाई पबजी लाइट में बहुत सारे तरह तरह के सेंसिटिविटीज़ होते हैं जिसको समझना हल्का से डिफिकल्ट होता है। तो भाई अगर आपको भी डिफिकल्टी होती है पबजी लाइट के सेंसिटिविटी को समझने में, तो भाई इस वीडियो में मैं आपको अच्छी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सा सेंसिटिविटी का क्या कम होता है पबजी लाइट में। तो भाई इस वीडियो में अंत तक बने रहो, इस वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेंसिटिविटी का क्या कम होता है पबजी लाइट में। तो यार चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो भाई पबजी लाइट में जैसा कि आप सब जानते हो पबजी लाइट में ट्रेनिंग मोड नहीं है, तो ये वीडियो मैं पबजी मोबाइल के ट्रेनिंग मोड में जाकर शूट करने वाला हूँ। तो भाई चलते हैं पहले पबजी मोबाइल के ट्रेनिंग मोड में। तो यार आ चुके हैं पबजी मोबाइल के ट्रेनिंग मोड में, और भाई सबसे पहले यहाँ से उठा लेते हैं M4 और फिर कुछ एमोज उठा लेते हैं। और एमोज पहले उठा लेते हैं, बैग तो फुल हो गया। तो चलो अब एक स्कोप उठा लेते हैं, और स्कोप उठाने के बाद चलो कुछ अटैचमेंट्स भी उठा लेते हैं, अटैचमेंट्स काम देंगे। तो भाई अटैचमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सटेंडर क्विक ड्रम है और एक कंपनसेटर उठाऊंगा मैं। और अब बात करते हैं सेंसिटिविटी पे। तो भाई जो पबजी मोबाइल लाइट में सबसे पहला जो सेंसिटिविटी होता है पबजी मोबाइल में, दिखा के बता रहा हूँ, 30% कैमरा जो इसमें लिखा हुआ वो पबजी लाइट में सिर्फ कैमरा सेंसिटिविटी होगा। तो भाई कैमरा सेंसिटिविटी बेसिकली ये जो आई का बटन का सेंसिटिविटी होता है उसे कहते हैं। तो इसे पहले जीरो करके देखते हैं आई वाले बटन को घुमा के। भाई अब देख सकते हो मैं स्क्रीन को पूरा घुमा ही नहीं पा रहा हूँ। तो भाई अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको फुल करके देखते हैं एक बार। तो सेंसिटिविटी जैसे ही मैं फुल करता हूँ देखो क्या ही स्पीड से घूम रहा है, भाई कंट्रोल ही नहीं हो रहा यार। फिर इसके बाद तो मैं इसका सेंसिटिविटी बताऊँ, तो इसे आप 110 पे रखो, वो ज़्यादा बेटर होने वाला, 110 सबसे बेटर रहेगा मेरे लिए मेरे समझ से। और फिर ये कैमरा सेंसिटिविटी है, ये पैराशूटिंग के टाइम यूज़ होता है, तो इसका कोई काम नहीं है। आप देख सकते हो किसको ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कैमरा सेंसिटिविटी को चेंज करने से, देख सकते हो अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो भाई इसका सिंपल से काम होता है पैराशूटिंग के टाइम। तो इसे आप 110 के आसपास में ही रखो भाई, ज़्यादा बेटर है। और फिर फर्स्ट पर्सन का तो कोई काम नहीं है, और फिर नीचे आते हैं थर्ड पर्सन नो स्कोप। तो भाई थर्ड पर्सन नो स्कोप मतलब जो आप बेसिकली स्क्रीन पर ड्रैग करके जो स्क्रीन रोटेट करते हैं लेते हो उसे कैमरा सेंसिटिविटी कहते हैं। तो भाई ये रेड डॉट के साथ होगा, तो पहले रेड डॉट उठा लेते हैं। तो रेड डॉट उठाने के लिए जाना पड़ेगा, और रेड डॉट उठा लेते हैं पहले जाके। ओ भाई बैग में तो स्पेस ही नहीं है, बैग लेना पड़ेगा मुझे। तो बैग ले लेते हैं पहले यहाँ से, बैग कहाँ पे मिल गया, अच्छा यहाँ पे बैग है। तो बैग एक उठा लेते हैं और चलते हैं सारे तरह का एक एक स्कोप उठा लेता हूँ भाई, ताकि टेस्ट करने में आसानी हो। तो मैं एक रेड डॉट फुल साइड उठा लेता हूँ, 2x 3x उठा लेते हैं, 4x उठा लेते हैं और चलते हैं। तो भाई सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे M4 को 6x से 3x बनाता हूँ। मैं 3x का सेंसिटिविटी दिखाने वाला हूँ भाई, कैमरा सेंसिटिविटी किसी का दिखाऊँ बहुत बराबर है, तो मैं 3x का दिखा रहा हूँ। 3x में मैं सबसे पहले इसे फुल कर देता हूँ, फुल नहीं से हाँ सबसे पहले फुल करते हैं, फिर देखो इसे कंट्रोल ही नहीं पा रहा भाई, देख रहे हो कैमरा सेंसिटिविटी देख रहा कंट्रोल के बाहर है। और फिर अब इसे मैं पूरा जीरो कर दूंगा, तो फिर वही हो जाएगा, हिलने भी नहीं लगेगा ये स्कोप, देख सकते हो अब हिल भी नहीं रहा स्कोप, मैं ड्रैग कर रहा हूँ बट हिल भी नहीं रहा। और ये जो हिला रहा हूँ मैं जायरो से हिला रहा हूँ, कन्फ्यूज में कहा कैसे हिल रहा, हाथ से ज़रा भी नहीं हिल रहा। तो इसका जो मैं सेंसिटिविटी बताना चाहूँगा वो 28 या फिर 33 के आसपास में सबसे सही रहेगा, पहले मेरा 33 था बट मैं गलती से यहाँ पे 22 कर देता हूँ, 31 कर देता हूँ, सॉरी 31 है मेरा कैमरा सेंसिटिविटी। तो भाई इसके बाद अब आते हैं और भी सेंसिटिविटीज़ के ऊपर। तो भाई इसके बाद आते हैं ADS सेंसिटिविटी। तो ADS सेंसिटिविटी बेसिकली वो सेंसिटिविटी है जब आप फायर करते समय स्क्रीन को मूव करते हो। तो भाई ADS सेंसिटिविटी देखने के लिए मैं 3x का पहले सेंसिटिविटी जीरो कर देता हूँ, और फिर जायरो को ऑफ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फायर करते समय रिकॉल कंट्रोल ही नहीं हो रहा, देख रहे हो कुछ नहीं हिल रहा, कुछ भी नहीं हिल रहा। और फिर इसी सेंसिटिविटी को मैं फुल कर देता हूँ, और फुल करने के बाद देखो क्या ही हिलेगा। ओ भाई फायर करते समय क्या ही हो रहा, देख रहे हो ये ADS सेंसिटिविटी बेसिकली रिकॉल कंट्रोल के लिए होता है। तो इस सेंसिटिविटी को आप रख सकते हो मेरे समझ से 28 बेस्ट रहेगा इसके लिए। और फिर इसके बाद आता है जायरोस्कोप। तो भाई जायरोस्कोप के लिए एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ जायरोस्कोप बेसिकली वो होता है कि आप स्क्रीन पे हैंड को स्क्रैप किए बिना आप स्क्रीन को सिर्फ हिलाते हो तो जायरोस्कोप काम करता है।
यहाँ पे मैं बिना जेरो का स्प्रे देता हूँ सबसे पहले। देखो स्प्रे वैसे भी मेरा अच्छा स्प्रे नहीं है, देखो, और फिर जेरो जेरो के साथ देता हूँ। खड़ा होकर ही दूंगा, आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ा है, बट हल्का तो पड़ा ही है। तो भाई ये होता जायरो और बिना जायरो का स्प्रे। भाई जायरो के लिए जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको जायरो के बारे में पूरा अच्छे से समझाऊंगा, और फिर जायरो कैसे काम करता है और फिर कितने ज़्यादा सेंसिटिविटी रखना चाहिए आपको जायरो का, ये सब सब चीज़ मैं बताऊँगा आपको जायरो का। तो भाई अगली वीडियो देखते रह देखना, और फिर अगला वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। और फिर भाई अब पहले मैं अपना सेंसिटिविटी दिखा देता हूँ आपको एक बार। ये मैं पबजी मोबाइल की दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर पबजी मोबाइल वाले भी कोई होंगे तो वो भी देख लेंगे। मेरा पबजी मोबाइल और पबजी लाइट का सेंसिटिविटी सारा ऑन है, सारा सेम है, और मैं जायरो स्कोप ऑन पर रखता हूँ ये भी मैं बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरा सेंसिटिविटी, अगर आप पबजी लाइट वाले हो तो पबजी लाइट का भी सेंसिटिविटी मैं दिखाऊँगा। तो पबजी मोबाइल के लिए ये सेंसिटिविटी, और भाई अब मैं दिखा रहा हूँ आपको पबजी लाइट का सेंसिटिविटी। भाई मेरा पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों का सेंसिटिविटी सेम है, तो भाई आप देख सकते हो मेरा पबजी लाइट का सेंसिटिविटी, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट कर सकते हो। वैसे मेरा सेंसिटिविटी कुछ खास नहीं है ब्रो, तो मेरे समस्या ना ही करो। 6x का सेंसिटिविटी करवा के उसे वापस सही कर लेते हैं, 15 रहता है मेरा 6x का सेंसिटिविटी ADS वाला। और फिर जायरो ये सब सब देख सकते हो। 6x और 8x में मैं जायरो नहीं रखता क्योंकि भाई 6x और 8x को मैं स्प्रे देने के लिए यूज़ नहीं करता बिल्कुल भी, मैं उसे सिर्फ स्नाइपिंग के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि मैं अभी कुछ दिन से छोड़ा हुआ हूँ स्नाइपिंग, स्नाइपिंग मैंने कुछ दिन से छोड़ दिया। तो यार बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया मेरे भाई तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबा टेक केयर, पीस आउट।